आंटी ने इतनी बड़ी अप्रोच ले रखी है कि शाहरुख खान के बंगले के बाहर बुट्टा लगा रखा है और आंटी का बुट्टा इतना स्वादिष्ट है, इतना बढ़िया है। कैसा लगा बुट्टा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, स्वादिष्ट है, एक नंबर मीठा। कितने का बट आपको ये? आंटी की जैक, आंटी की अप्रोच, या आप ये कह सकते हो कि शाहरुख खान उनको समझते हैं कि भाई वो मेहनती लेडी है। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। वो लेडी कहाँ है जो शाहरुख खान के बंगले के बाहर वो बुट्टा लगा के बैठी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है। तो दोस्तों आप जब सामने भीड़ देख रहे हो, शाहरुख खान का बंगला है और ये देखो आप, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो पूरे भारत देश में कोई पत्रकार नहीं दिखा पाया। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान के बंगले के ठीक 20 कदम दूरी पे एक आंटी है जिन्होंने भुट्टे की स्टॉल लगा रखी है और आंटी का जो सिस्टम है बहुत बड़े लेवल का है। आंटी ने इतनी बड़ी अप्रोच ले रखी है कि शाहरुख खान के बंगले के बाहर भुट्टा लगा रखा है और आंटी का भुट्टा इतना स्वादिष्ट है, इतना बढ़िया है कि पूरे भारत देश में ऐसा भुट्टा आपने खाया नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान के बंगले के ठीक सामने आंटी का स्टॉल है और कितनी बड़ी जैक लगाकर आंटी खड़ी है। कोई भी देखो, यहाँ पे कोई भी खाने की दुकान नहीं है, कोई चाय की दुकान नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान का बंगला भाई, सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेकिन आंटी की जैक, आंटी की अप्रोच, या आप ये कह सकते हो कि शाहरुख खान उनको समझते हैं कि भाई वो मेहनती लेडी है या उनके डायरेक्ट बातचीत है अंदर बड़े लेवल पे। तो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं एक आंटी जो शाहरुख खान के बंगले के बाहर भुट्टा लगा के बैठी है। एक मिनट भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। वो लेडी कहाँ है जो शाहरुख खान के बंगले के बाहर वो भुट्टा लगा के बैठी है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है? वो है क्या? वो खड़ी वही है ना? हाँ वही है। तो दोस्तों शाहरुख खान के बंगले के बाहर ये देखो कितनी तगड़ी जैक लगाकर आंटी खड़ी, आपको दिखाने जा रहा हूँ, मिलवाने जा रहा हूँ मैं। भुट्टा लगा रखा आंटी ने और आंटी का भुट्टा इतना स्वादिष्ट है, इतना मीठा है कि आप खाओगे तो भाई साहब कम से कम 15-20 भुट्टे पैक करा लोगे। ये देखो आप, ये रही आंटी, वो ये खड़ी आंटी। भैया कैसा लगा भुट्टा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, स्वादिष्ट है, एक नंबर मीठा। कितने का पड़ा आपको ये? वाह जी वाह, सबको बोलेंगे आपका सब ले लूं, फिर सबको खिलाएंगे, ये मैं जानता हूं। क्या बात है, आई लव यू भैया। ये आप मेरी वीडियोस देखते हो हेल्पिंग की, जो मैं गरीब लोगों से सामान खरीद लेता हूँ। आई लव यू सर, सबको खिलाते हो सर, ये मेरा कर्तव्य है, भगवान ने मेरे को इसलिए भेजा है कि लोगों की मदद करना है और पूरी जिंदगी उनकी सेवा करनी है सर, क्योंकि परमात्मा ने उनको इतना नहीं दिया। क्या बात है, शाहरुख खान के बंगले के सामने खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है सर, आंटी ने देखो कितनी बड़ी जैक लगा रखी है, देखो आप गरीब आदमी से ले रहे हैं। बात ये है भाई साहब कि आप किसी बड़े होटल में पैसे देकर नहीं आ रहे, एक गरीब लेडी का घर चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, बहुत बड़ी बात है भैया। मजा आ गया भैया। भैया आप कहाँ से हो? आगरा से हो आप सब? क्या बात है, आगरा में सर। ओके रिपोर्ट, चलो सर जल्दी आएंगे यार घूमने के लिए। बिल्कुल, ताजमहल की जो बाउंड्री है उसके बराबर में। अरे सर अरमान से झगड़ा हो गया था मेरा वैसे। हाँ जी सब कुछ याद है सर आपको। आई लव यू, मजा आ गया सर, आपने बुलाया था, आजा देख लेता हूँ सर। से इतना तगड़ा प्यार है, मेरा मन कर रहा है सर और मैं चले जाए समुद्र के अंदर नहाने के लिए। क्या बात है। तो दोस्तों ये है हमारी आंटी जी, ये देखो यहाँ भुट्टा बन रहा है, ये देखिए आप। नमस्ते आंटी, बन गया? क्या बात आंटी, 40 रुपये का ये? तो ये देखो दोस्तों आंटी कितनी मेहनत कर रही है, ये देखिए आप। और आंटी जी को सपोर्ट करो, यहाँ पर आओ भुट्टा खाओ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना, तहलका मचाता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा, एक से बढ़कर एक चीज़ दिखाता रहूँगा। और आंटी के पास जरूर आना, आंटी की आपने हेल्प करनी है, आंटी से भुट्टे खाने हैं। ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत देखा करो, हाथ जोड़ के विनती है। बड़े बड़े होटलों में जाते हो, 50-50 हज़ार का बिल देते हो, 3-4 भुट्टे खरीद लिया करो मेरे भाई, ठीक है ना? तहलका मचाता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा। और हाँ, जवान मूवी देखने जरूर जाना भाई साहब, तहलका मचा रही है। पूरे भारत में जितने भी रेडी पटरी वाले भाई हैं उनसे सामान लिया करो, दिल से खाना खिलाते हैं, वो प्रेम भाव के साथ खाना खिलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनकी जो रोजी रोटी है वो वहीं से चलती है। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके पीछे एक ही कारण है, हम गरीब भाइयों से सामान नहीं खरीदते, उनसे कुछ खाते नहीं है, गोलगप्पे नहीं खाते, छल्ली नहीं खाते, ये सामान वो सामान, अपना एक लेवल दिखाते हैं हम कि इनसे क्यों खरीदें, जिसके चलते ये कमा नहीं पाते, घर में राशन आ नहीं पाता, जिसके चलते भीख मांगते हैं। तो ये संख्या मत बढ़ाओ, इनसे प्यारा पूरे भारत में कोई नहीं है, छल्ली वालों से प्यारा, रेडी पटरी वालों से प्यारा। ये बहुत मेहनती होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनाते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे दिल से प्यार से आपको मोहब्बत के साथ खाना खिलाते हैं।